इतना सोचना, बावले लोगों का काम है क्या? भाई बावले लोगों का काम नहीं तो पढ़े लिखे लोगों का काम तो है ही, और वैसे भी तू तो अनपढ़ है। मैं उसे बस एक बार मिलकर सॉरी बोलना चाहता हूँ, हमने बहुत ज्यादती की है उसके साथ, बस एक बार बात करना चाहता हूँ। तो मुझे पढ़ा दोगी? तुम शाम को इसी समय थोड़ी देर के लिए आ जाया करना। ये बस्ती मुर्दा परस्तों की बस्ती है, मुर्दा परस्तों की। मैं आपसे ही कह रहा हूँ। अब कुछ कह रहा सुना बाकी है क्या? जी जरा सुनिए, मैं आपसे ही कह रहा हूँ। क्या कह रहे? अब कुछ कहना सुनना बाकी है क्या? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ उस दिन के लिए। अच्छा, बड़े बड़े लोगों को शर्म भी आवे? मुझे मालूम है आप मुझसे बहुत नाराज हैं, इसलिए मैं आपको बहुत दिनों से ढूंढ रहा हूँ माफी मांगने के लिए। एक गंवार को ढूंढ रहे तुम, वो भी क्षमा मांगने के लिए? विश्वास तो ना होता हमें। क्या हुआ राजा? ये बड़े बाबू हमसे क्षमा मांगने आए हैं। ओह, अब समझी मैं। जाओ बाबू जाओ, अपना रास्ता ना खोजा कर। तुम्हारे जैसे अमीर हमने बहुत देखे हैं। गरीबों के लिए सुंदर होना भी एक मुसीबत है, और इन अमीरों के लिए कहीं कोई सुंदर लड़की देखी नहीं कि फिसल गए। अब क्या सुनने के लिए खड़े हो? जाओ ना, जानते नहीं हो इसका बापू कितना खतरनाक है। अगर उसने तुम्हें देख लिया ना तो काट के खलास कर डालेगा। अरे जाओ। अब हमारे मुंह ताकोगे क्या? जल्दी जाओ। क्या तू उसे जानती? ना, ऐसा खास ना जानती। ऐसा खास नहीं? क्या मतलब? अरे एक दो बार मिली पहले बस। एक दो बार? हाय राम, ये कुछ बावरी हो रही क्या? अरे मैं नदी किनारे जाती थी ना, वहाँ पे अपने दोस्तों के साथ मुझे तंग कर रहा था, इसलिए तो मैंने वहाँ जाना छोड़ दिया, और आज आया क्षमा मांगने। वैसे राधा मैं तुझे एक बात बता दूं, इन अमीरों के चक्कर में मत पड़ना, बहुत बहुत मक्कार होते हैं ये लोग। तुम मुझे बुद्धू समझे क्या? मुझे क्या लेना देना इससे? भाई क्या पता, मुझे तो ऐसा लगता है कि उस छोकरे का दिल तुझ पर आ गया है। अच्छा एक बात बता यार, तू मदारी की क्लास में गया था क्या? कौन जाएगा उसकी क्लास में, बहुत बोर करता है वो। हाँ यार, पता नहीं सारा दिन क्या क्या पढ़ाता रहता है यार, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता यार। ये आनंद किधर है? हाय प्रभु, हाय विकास, हाय। हेलो। ओए होए, ओए होए, ये तेरे चेहरे पे मुस्कुराहट, लगता है वो मिल गई जिसकी तलाश थी। क्या वाकई आनंद, क्या वो मिली? हाँ सुबह अचानक। ओहो, अचानक, ग्रेट न्यूज़ यार। कहाँ और कैसे? यार जब मैं सुबह कॉलेज आ रहा था तो नाके पर जो बिल्डिंग बन रही है ना, वो वहीं पर काम करती है यार। चलो यार, मुलाकात तो हुई लेकिन कुछ बात भी हुई कि नहीं? हाँ, सॉरी कह दिया यार मैंने उसे। सॉरी कह दिया तूने उसे? बस मामला खलास। देख अब तो तू उदास नहीं होगा ना, उदास नहीं होगा ना? नहीं यार। मेरे ख्याल से आज हम क्लास अटेंड कर ही लेते हैं, एग्जाम्स पास आ रहे हैं, कहीं अटेंडेंस शॉर्ट होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इन द बैलेंस शीट कैश एंड बैंक बैलेंस always go in the asset side. Fixed asset include furniture, equipment, property, depreciation, etc. And current asset include jewelry, advances, etc. Okay, can you tell me loans and advances kis mein jayega? Liabilities mein ya assets mein? Anand, tum batao. Anand. Yes sir. तुम बताओ।
क्या सर? इसका मतलब तुम्हारा ध्यान कहीं और था? नो सर। तो बताओ क्या सर? ओके ओके, आई रिपीट, लोन्स एंड एडवांसेस इज एन एसेट्स और ए लायबिलिटी। ओ कम ऑन, इट्स ए वेरी सिंपल क्वेश्चन। आई डोंट नो सर। आनंद, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि अपने माता पिता के मेहनत के पैसे को वेस्ट मत करो, जाओ जाकर अपने फादर का बिजनेस संभालो, वही बेहतर होगा तुम्हारे लिए। गीत मेरे देहरी के दीप साबन, गीत मेरे देहरी के दीप साबन, एक दुनिया है हृदय में, एक दुनिया है हृदय में, मानता हूं वो घिरी तम से, इसे भी जानता हूं, छा रहा है किंतु बाहर भी तिमिर घन, छा रहा है किंतु बाहर भी तिमिर घन, गीत मेरे देहरी के दीप साबन, गीत मेरे देहरी के दीप साबन। हाय, कितनी अच्छी कविता है, गीत मेरे देहरी के, इसका मतलब भी समझाओ ना, कुछ शब्द तो मेरे पल्ले बिल्कुल भी ना पड़े। कवि अपने गीत को अर्थात अपने मन को देहरी का दीपक बनने की इच्छा प्रकट कर रहा है, जिस तरह देहरी पर रखे दीपक की रोशनी से अंदर और बाहर दोनों ओर उजाला हो जाता है, उसी प्रकार मन के प्रकाश से संसार के अंधकार को मिटा देना है। संसार को सुंदर बनाने के भाव मन में आते हैं, किंतु उसी के साथ बुरी दुनिया का अंधकार भी मन में समाता है, इसीलिए दीप साबन अर्थात मन की स्वच्छता से संसार को सुंदर बना, उसमें उजाला कर दे। मैं भी ऐसा लिख सकूंगी कभी? क्यों नहीं, मगर उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ हाँ, मैं दिन रात मेहनत करूंगी। शाबाश। अच्छा, सुना है उस दिन तूने बिरजू और बाकी लोगों को काफी डांट पिलाई? हाँ, बहुत जरूरी था। जरूरी नहीं, जरूरी बोलो, जरूरी 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 ज ज रूरी रूरी जरूरी जरूरी। जरूरी उर्दू का शब्द है, हिंदी में इसका शब्द है आवश्यक। क्या है? आवश्यक आवश्यक, बस्यक नहीं, आवश्यक आवश्यक आवश्यक। हाँ ठीक। अच्छा, क्या कह रही थी तू? बहुत आवश्यक था उन सबको डांट पिलाना, मेरे से रहा ही नहीं गया। मेरे से नहीं, मुझसे रहा ही नहीं गया। मुझसे रहा ही नहीं गया। वो बिरजू है ना, वो अपनी घरवाली को बहुत मार रहा था, उसकी बीवी को बच्चा होने वाला, और उसे उस पे तरस ही नहीं आ रहा था। उसको बच्चा होने वाला मत बोल, उसकी पत्नी गर्भवती है। गर्भवती? गर्भवती है। हाँ गर्भवती। मैं ना उसे अस्पताल भी लेकर गई थी, डॉक्टर बोला कि उसे पूरा आराम चाहिए। डॉक्टर मत बोलो, डॉक्टर। जी डॉक्टर। पता ना बिरजू उसे आराम करने देगा भी या नहीं। मैं भी तेरे जैसे ही थी जवानी में, लेकिन इस झोपड़पट्टी के लोगों के मन में शिक्षा के प्रति जागरूकता ही नहीं है, जो इसकी प्रगति में सबसे बड़ी बाधक है। शिक्षा के ना होने के कारण ये लोग अपने आसपास के वातावरण को भी साफ नहीं रखते, जिससे बीमारियां फैलती हैं। पर किसी को तो कुछ करना ही पड़ेगा। कहाँ खो गए बेटा? ओ डैड, आइए बैठिए। क्या हो गया भाई, ये उदासी भरा चेहरा, ये फिल्मी पोज, आर यू इन लव? ओ नो डैड, वो बस थोड़ा सा थक गया था डैड। अच्छा जी, कोई बात नहीं, लेकिन बेटा डिनर के लिए तो आ जाते, आई वाज वेटिंग फॉर यू। ओ कितने बज गए डैड? 10 बज चुके हैं। ओ डैड, मुझे पता ही नहीं चला। डैड मुझे बिल्कुल भूख नहीं, प्लीज आप खा लो, तुम्हारे बगैर मजा नहीं आता। सॉरी डैड, प्लीज खा लो डैड।
अच्छा भाई, एज यू फील, जैसे तुम्हारी मर्जी। तो ये तो बताओ, बात क्या है? ऐसा कुछ खास नहीं है डैड। कुछ आम तो है ना? अच्छा भाई, नहीं बताना चाहते तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन अगर कोई प्यार व्यार का मामला है ना, और दूसरी तरफ से रिस्पॉन्स कुछ कम है, तो घबराना नहीं, ट्राई हार्डर, दोबारा कोशिश करो। भाई प्यार में वही कामयाब होता है जो डरता नहीं है। भाई पृथ्वीराज चौहान और संयुक्ता की कहानी सुनी है ना? हैं? गॉड ब्लेस यू बेटा, गुड नाइट। थैंक यू डैड। सुनिए सुनिए, तुम क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात ना करनी। लेकिन क्यों? अब इस बात का जवाब ना है मेरे पास, जाने दो मुझे। नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा। आखिर तुम चाहते क्या मुझसे? मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। अच्छा, माफ किया, अब जाने दो। नहीं, तुमने मुझे माफ नहीं किया अभी तक। अरे कह तो दिया कि कर दिया, अब और कैसे कहूँ? अगर तुमने मुझे माफ कर दिया होता तो तुम मुझसे ठीक से बात करती। देखो, तुम्हें मुझसे कुछ ना मिलने वाला। ये तुम कैसे कह सकती हो? तुम फिर मेरा मजाक उड़ा रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर? तुम मुझे अच्छी लगती हो। अब तुम हद से आगे बढ़ रहे हो। अगर तुम मुझे अच्छी लगती हो तो इसमें मैं क्या करूं? तुम पागल हो। पागल ही सही। बस बहुत हो गया ये मजाक, अब और नहीं सुनूंगी मैं। मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ, अरे इससे बड़ा मजाक ना मिला तुम्हें करने का। अरे क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मैं गरीब अनपढ़ मजदूर हूँ और तुम बड़े बड़े घरों में रहने वाले अमीर सहजादे? तुम्हारे लिए तो आज का मैं एक मजाक हो गई, दिल्लगी हो गई। अरे मैं तुम्हारे किस काम की? देखो मेरी तरफ देखो, ढंग के कपड़े तक ना है मेरे पास पहनने को। झोपड़पट्टी में रहती हूँ मैं, झोपड़पट्टी में। जब बंबई में बरसात आती है ना, तो मुझे नहाने की भी जरूरत ना पड़ती। ऊपर से हमारे घर की छत उड़ जाती है, पानी ही पानी भर जाता है सारे घर में। अरे जाओ बाबू जाओ, अरे जाके अपने घर के उस मुलायम मुलायम बिस्तर पे जाके सो जाओ, जाओ। और आइंदा मेरा पीछा ना करना। इस जीवन में यदि मैं कुछ कर पाऊं तो इस धरा को उपवन सा सुंदर बनाऊं, जो छुपा ले मुझे अपने वृक्षों के आंचल में, जो छुपा ले मुझे अपने वृक्षों के आंचल में, उस ममता मई धरा को धरा चंदन की बनाऊं। मगर ये हो ना सका, मगर ये हो ना सका, मैं अपने लक्ष्य को पा ना सका। एक धुआं सा उठा, एक आंधी आई, दर्द से चीखी ये धरा, न काटो मेरे अंगों को, इन फूलों को, पेड़ पत्तों को। क्या भूल गए हो तुम कि मैं हूं तुम्हारी माँ, मैं हूं तुम्हारी माँ, मैं हूं तुम्हारी माँ। यहां कवि ने प्रकृति को माँ का रूप दिया है, उसकी सुंदरता का वर्णन बहुत ही भावुक रूप से किया है। अब तुम बोलो तो इस कविता को। राधा, राधा जी, क्या बात है राधा, आज तुम्हारा मन पढ़ाई में नहीं है? जी नहीं। तो क्या बात है, क्या सोच रही हो? अच्छा चलो, आज रहने दो पढ़ाई को, कुछ और बात करते हैं। क्या? तेरे शादीवादी के बारे में सोचा है तेरे बापू ने अभी तक या नहीं? मुझे नहीं पता। कितनी उम्र हो गई है तेरी? 18 साल। लेकिन लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। वो क्यों? मैं कुछ बनना चाहती हूँ पहले। तेरे घर वाले तुझे कुछ नहीं बनेंगे। लेकिन मैं बनूंगी, मैं कुछ जरूर बनूंगी। शादी करके मैं अपना जीवन बर्बाद नहीं होने दूंगी। बहुत कठिन रास्ता है राधा, बहुत मुश्किलें आएंगी रास्ते में। मैं सबका सामना करूंगी। बड़ी हिम्मत चाहिए। भगवान देगा मुझे हिम्मत। ओहो वाह, क्या शॉट मारा है, जानी हमसे कोई जीत नहीं सकता। अबे चलना, ज्यादा स्टाइल मत मार,
अभी मेरी टर्न है, फिर देख मैं क्या करता हूँ। चुप कर, तेरे को खेलना तो आता नहीं है। कम ऑन प्रभु, उसे अपनी टर्न तो पूरी करने दो। ये लो, ये बात है, देख। व्हाट अ शेम 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 शेम। चुप कर यार। नहीं। ये लो आनंद, तुम्हारी बारी। क्या बात है आनंद, तेरा खेलने का मूड नहीं है क्या? यार हमारी लाइफ भी कोई लाइफ है, सारा दिन आवारागर्दी, डिस्को, पिकनिक, कोई ढंग का काम करते हैं हम सारे दिन में? क्या बात करेला यार तू, मैं तो एमटीवी देखता हूँ, एमटीवी, माइकल जैक्सन, रिकी मार्टिन, वाओ, क्या गाते हैं ये लोग, क्या डांस करते हैं। क्यों नमिता, हो जाए। शट अप। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं उसमें, आई मीन क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारा? क्या बात करेला यार तू, यार हम लोग ये चैनल देखते हैं, ये कंट्रीब्यूशन का कम है? अरे नहीं यार, मतलब कोई हम ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे किसी का भला हो। You mean to say social work? Not exactly social work. तो फिर क्या? कोई ऐसा काम जिसमें चैलेंज हो, थ्रिल हो और साथ ही साथ किसी का भला हो जाए। और वैसे भी हमारे डैड्स के पास पैसे की कमी नहीं है, हम उसे दिन भर लौटाते फिरते हैं, कोई ऐसा काम क्यों ना करें जिससे हमारी एक आइडेंटिटी बने। क्या हो सकता है ऐसा काम? सुनो सुनो, देखो हम लोग एक डांस कंपटीशन ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें मैं फर्स्ट आ जाऊंगा और मेरी आइडेंटिटी बन जाएगी, क्यों, ठीक है ना? हाँ, ये मुंह और मसूर की दाल। क्या मतलब? ओ कम ऑन यार, यार मैं किसी डांस कंपटीशन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कुछ और ही सोच रहा हूँ। ऐसा क्या सोच रहे हो? हाँ बताओ भी। आज मैं क्या हूँ? बताओ मैं क्या हूँ? क्या बात यार, ये भी कोई सवाल हुआ? तू आनंद खन्ना यार, और क्या? और तुम मिस्टर आरके खन्ना के बेटे हो जो एक करोड़पति बिजनेसमैन है और जिसकी वजह से तुमने आनंद से दोस्ती की, राइट? दिस इज टू मच आनंद, मैं जा रही हूँ। प्लीज सिट डाउन, इसकी तो आदत है बकबक करने की, तुम इसकी बात को बुरा मान रही हो? ये जब देखो मुझसे कुछ ना कुछ कहता रहता है। प्रभु सॉरी बोलो। इसको और सॉरी नेवर, मेरी खातिर। ठीक है तू कहता है तो सॉरी। अच्छा तो मैं कह रहा था कि आज मुझे सब मिस्टर खन्ना के बेटे के रूप में जानते हैं, राइट? और मेरे जीवन का लक्ष्य आज ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? और पैसा कमाना और अपने डैड का बिजनेस संभालना। लेकिन क्या इसमें मेरी कोई पर्सनल अचीवमेंट्स या उपलब्धियां होंगी? यही कि तुम अपने डैड का बिजनेस संभालोगे। वो तो मैं संभालूंगा ही, लेकिन वो डैड का बिजनेस है, मेरा नहीं। मैं अपनी पर्सनल अचीवमेंट्स की बात कर रहा हूँ। नहीं ना? तुम कहना क्या चाहते हो? मैं कहना ये चाहता हूँ कि हम जिस देश में रहते हैं उसके डेवलपमेंट के लिए क्या हमें कुछ नहीं करना चाहिए? अगर हम भी इस देश के नागरिक हैं, हमारे भी कुछ फर्ज हैं इसके प्रति। ओह गॉड, दिस इज सीरियस स्टफ। आनंद तुम क्या कह रहे हो, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। सीधे साधे शब्दों में हमें जिंदगी में कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमारे जीवन को दिशा मिले, आई मीन डायरेक्शन, और हमें ये संतोष मिले कि हमने कुछ किया है। वरना मुझे तो लगता है कि हम अपनी जिंदगी का सारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसा क्या काम हो सकता है? क्यों ना हम किसी अनपढ़ व्यक्ति को पढ़ाएं? समझ गया भाई, समझ गया। तो तू उस लड़की के चक्कर में है जो तुझे उस दिन नदी के किनारे मिली थी। हाँ, तू उसी को पढ़ाना चाहता भाई। आनंद ये ठीक कह रहा है क्या? क्यों, वही एक अनपढ़ लड़की है पूरी दुनिया में। इसका मतलब कि कोई लड़की है? Oh, you don't worry. वो काफी गरीब है। ओह, फिर ठीक है। हाँ तो आनंद, तुम क्या कह रहे थे, हमें किसी को पढ़ाना चाहिए? आनंद क्या तुम पागल हो गए हो? इसमें पागलपन वाली कौन सी बात है, ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा यदि हम किसी ऐसे व्यक्ति को आत्मनिर्भर बना सके जो अनपढ़ होने की वजह से गरीब या बेकार है। ये तो बहुत बड़ी बात होगी। आनंद तुम्हें कहीं बुखार तो नहीं है? ऐसा करो तुम थोड़ा आराम करो, हम लोग चलते हैं। मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए, काफी देर हो गई है, कल कॉलेज में तो मिल ही रहे हैं, वहीं गपशप करेंगे। ओके आनंद, सी यू टुमारो। बाय बाय। बाय बाय। ओके बाय। ये आनंद आज कैसी बातें कर रहा था?
I think he's gone mad. मेरे ख्याल से कभी कभी इस तरह की अजीब अजीब बातें भी कर लेनी चाहिए, दिमाग की एक्सरसाइज हो जाती है। मैंने पहले कभी आनंद को इस तरह की बातें करते हुए नहीं सुना, पता नहीं क्या चल रहा है उसके दिमाग में। मुझे लगता है आनंद की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई है। He needs rest very badly. वैसे आनंद क्या है, कुछ कुछ ठीक ही रहा है। हमारी अपनी पहचान हमारे अपने डैड्स के नाम से है, हमें लोग हमारे नाम से नहीं जानते। ओह विकास, अब तुम भी शुरू हो गए। I just don't like these serious talk. ओहो, तो नमिता आज शाम को मेरे साथ डिस्को पर चलोगी? तुम्हारे साथ? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? क्यों, मैं इतना बदसूरत हूँ क्या? उससे भी कहीं ज्यादा। पर तुमसे कम। Oh, shut up. You shut up. Both of you shut up. I'm going. Bye bye. Idiot. Same to you. जाने दे यार। यार, मुझे लगता है आनंद उस लड़की के बारे में जरूरत से ज्यादा ही सोच रहा है, तभी इस तरह की बातें कर रहा है। ये बात ठीक नहीं है, वो लड़की तो आनंद के लायक है ही नहीं यार। मुझे लगता है आनंद को समझाना पड़ेगा। देख, अगर तू कहे तो मैं उस लड़की के बारे में सब कुछ पता लगाऊं कि वो क्या करती है, कहाँ रहती है, किस खानदान से बिलोंग करती है। उससे क्या हुआ? देख, उस लड़की को देखकर ये साफ दिखाई देता है कि वो किसी बेकार सी जगह रहती होगी और कोई अच्छा खानदान भी नहीं होगा उसका। सोच, जब उस लड़की की असलियत का पता आनंद को चलेगा तो उस लड़की का भूत आनंद के दिमाग से अपने आप उतर जाएगा। ये तू ठीक कह रहा है, तू ऐसा कर, तू जल्दी से पता लगा। ओके। किरण जो रोज मेरे सिरहाने आकर ठहर जाती है, नाम है आशा, कानों में चुपके से कह देती है, अभी अभी मिलकर आ रही हूं मैं भयभीत दिशाओं से, दूर नहीं है शहर, संघर्ष कर, बस थोड़ी सी ही रात बाकी है। Thank you.